जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित डागर और हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फोम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, BEEG किरकी का जो चार्ट आया था कुछ दिन पहले, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो चार्ट में ढंग से क्लियर नहीं हो पाया था कि वो रिलेशन भर्ती है या स्पोर्ट्समैन की भर्ती, मतलब पूरी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स समझ नहीं पाए थे, बट मैं आज आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे पास नया चार्ट आ गया जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, कहीं भी मैं शो कर दूंगा आपको चार्ट वो, और वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले मैं वहीं पर चार्ट अपलोड कर देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ भाई, चार्ट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिख दी है, जिससे आपको अच्छे तरह से मैं समझा सकूँ। तो सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो BEEG किरकी भर्ती जो आपकी है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट की गई है, मतलब 16 अक्टूबर से वहाँ पे भर्ती होगी। और टाइमिंग क्या है भाई, टाइमिंग है 6 बजे का, सुबह 6 बजे आपको जाना है। अगर आप 6 बजे के बाद जाते हो तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है भाई यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो स्पोर्ट्स भर्ती जो है आपकी, कितने स्पोर्ट्समैन जो कैंडिडेट्स हैं उनको कब जाना है, कब रिपोर्टिंग करनी है। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कब रिपोर्टिंग करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको 1 अक्टूबर को रिपोर्टिंग करनी है भाई, ठीक है। 1 अक्टूबर को आपको रिपोर्टिंग कर देनी है, आपको 1 अक्टूबर को पहुँच जाना है भाई आपको BEEG सेंटर में, और आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा भाई, ठीक है। तो जो आपका क्वारंटाइन स्टार्ट होगा वो 2 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में चलेगा भाई, ठीक है, 14 दिन के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 14 दिन के लिए यहाँ पर आपका क्वारंटाइन किया जाएगा। फिर बात कर लें यहाँ पे जो नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए, जो तीसरा पॉइंट है स्पोर्ट्स जो ट्रायल होंगे वो भाई आपके 16 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 16 अक्टूबर से भर्ती स्टार्ट होगी। तो 16 अक्टूबर से आपका PMT होगी भाई, ठीक है, PMT होगी, आपका फिजिकल होगा और आपका ट्रायल भी होगा भाई, ठीक है, सब कुछ उसी दिन हो जाएगा स्पोर्ट्समैन कैंडिडेट्स वालों का। नेक्स्ट बात कर लें यहाँ पे, सबसे मेन जो बात है कि भाई यहाँ पे जो आप यहाँ पे जैसे कि आप इसे पढ़ोगे, यहाँ पे मैंने ये लिखा है रिलेशन भर्ती और यहाँ पे मैंने वो लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप चार्ट को देख लेना स्क्रीन पे, आपको कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि सन ऑफ ब्रदर या सन ऑफ फादर वालों को, मतलब जिनके पास रिलेशन है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रिलेशन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है भाई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें ओनली स्पोर्ट्समैन की भर्ती होगी भाई, ठीक है। तो सबसे मेन जो चीज़ है भाई, यहाँ पे रिलेशन की तो भर्ती है नहीं इस सेंटर में, अब की बार रिलेशन की भर्ती नहीं है, बट एक और नया चार्ट आएगा मेरे ख्याल से, उसमें दिसंबर या नवंबर के अक्टूबर में आ जाएगा इसका भी चार्ट रिलेशन वालों का, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा और मैं हर बार ऐसे ही बनाऊँ वीडियो, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।